नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने जैसे अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्थापन अभिक्रिया। दो हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? अभिक्रियाओं के प्रकार में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस तरह से विस्थापन अभिक्रिया को बिल्कुल आसान से उदाहरण से समझेंगे ताकि आपको वो कभी भी भूल नहीं पाओ, हमेशा के लिए आपको याद हो जाए, इस तरह से हम समझते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो प्रकार है वो है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? देखिएगा, हमारा जो प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो प्रकार है अभिक्रिया, अगर आपने पीछे वाले भाग नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान से तरीके से समझाए हैं ताकि आपको उसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़े। आप उसको एक बार सीख गए तो आप हमेशा के लिए उसको याद रख पाएंगे। तो चलिए, हमारा जो विस्थापन का मतलब होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापित करना। क्या मतलब होता है विस्थापित करना? इसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसे मान लो मेरे पास एक तत्व था ए, ठीक है, दो तत्व थे मेरे पास बी और सी, ठीक है, यहां बीच में था प्लस। देखिएगा, अब होता क्या है, जब ये अभिक्रिया होती है तो ये ए क्या करता है, ये जो ए है वो क्या करता है, ये इस बी को यहां से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है और खुद यहां पर आ जाता है। तो हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या बन जाती है, हमारी जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार बन जाती है, ए सी प्लस ये बी है वो अलग कर दिया, इसने ए ने क्या कर दिया, बी को हटा दिया। तो यही हमारा जो प्रकार होता है वो होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है और खुद वहां पर आ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, हम थोड़ा सा और एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण से समझते हैं, तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर हम एग्जांपल देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ में हैं। अभी इस गर्ल्स के साथ में कौन सा है, मान लो फ्रेंड है एक दूसरे के, जैसे अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, बहुत ही उदाहरण सा सिंपल सा। अब देखिएगा, यहां पर इसके साथ ये है, ठीक है, अब हुआ क्या, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने इसको विस्थापित कर दिया, भैया ऑफर दिया, ऑफर पसंद आ गया, तो इसने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया और खुद इसके साथ आ गया। अब इसके साथ फ्रेंड कौन है, ये इसके साथ ये फ्रेंड बन गया, तो इसने क्या कर दिया, इसको यहां से भगा दिया, हटा दिया, यहां से विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक ने दूसरे को क्या कर दिया, अब इसने इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब ये विस्थापित कर पाएगा तो इसके पास कुछ क्वालिटी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्या कुछ एक्स्ट्रा होगा तब वो विस्थापित कर पाएगा, क्या हर कोई विस्थापित कर देगा, नहीं। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि वो स्थापित कर दे, तो यहां पर हम इसकी परिभाषा जो लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया की जो हम परिभाषा लिखें, तो परिभाषा जो हमारी होगी वो इस प्रकार होगी विस्थापन अभिक्रिया की, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने जैसा कि बताया, होता क्या है, अधिक ताकतवर, अब देखो हर कोई तो विस्थापित कर नहीं पाएगा, देखिएगा उदाहरण से,
क्या ये ऐसे विस्थापित कर देगा क्या? नहीं, इसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी देनी पड़ेगी, या तो इसके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, या इसका क्या है, इसका इससे ज्यादा ये क्या हो, इसकी शक्ल अच्छी हो, या कुछ ना कुछ इसके पास एक्स्ट्रा क्वालिटी होनी चाहिए, तभी ये इसको क्या कर पाएगा, यहां से इसको यहां से हटा पाएगा। ठीक है, तो यही हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, हम देखिएगा यहां पे जरा ध्यान से समझते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील, जो ज्यादा ताकतवर तत्व होता है वो अपने से कम ताकतवर तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, स्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण से हम दो तीन उदाहरण से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा देखिएगा उदाहरण, तो पहला जो हमारा उदाहरण है वो है, देखिएगा हमने एक धातु ली है जिंक, यहां पर है हमारा कॉपर सल्फेट, CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास जिंक धातु है। ठीक है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये जिंक करता क्या है, ये जिंक क्या करता है, ये जो जिंक है, ये जिंक है, ये क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों कर पाएगा, क्योंकि ये क्या है, इससे अधिक क्रियाशील है, किससे, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है। वो हम आगे पढ़ेंगे कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम है, वो सक्रियता श्रेणी के अंदर पढ़ लेंगे। अभी ये ध्यान रखना है आपको कि जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहां बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसने क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं ये जिंक कॉपर सल्फेट इसका नाम क्यों है, ये जिंक सल्फेट क्यों है, अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देखिएगा, आप इसके सारे नाम खुद बना पाएंगे। तो हमने पहला देखा है जिसमें क्या किया है, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं, दूसरा देखो Fe प्लस CuSO4, यहां फेरस यानी आयरन, आयरन में क्या करेगा, यहां पर आयरन यहां पर कॉपर को विस्थापित करेगा, आयरन भी कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ये बन जाएगा ये प्लस Cu, इसने भी क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब देखो यहां पर क्या ऐसा हो सकता है क्या अभिक्रिया, अब मैं यहां पर एक अभिक्रिया ऐसा लिखता हूं, क्या ऐसा हो सकता है क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ऐसे हुआ Cu प्लस ZnSO4 CuSO4 प्लस Zn, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये Cu इस Zn को विस्थापित कर दे, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि Zn पहले से ही ताकतवर है, पहले से ही अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम को विस्थापित कर देता है, लेकिन कम वाला अधिक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। यानी सीधी सी बात है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम वाले को तो हटा सकता है उस स्थान से, लेकिन कम ताकतवर है वो ज्यादा ताकतवर को नहीं हटा पाएगा। तो यही देखो यहां पर समझना था हमें, यदि क्रियाशील तत्व होता है वो कम को विस्थापित कर देता है। एक और उदाहरण, अगर आपको फिर से डाउट है तो एक और उदाहरण हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिया Pb यानी लेड, लेड यहां पर लिया हमने कॉपर क्लोराइड। अब जो लेड है वो कॉपर क्या होता है, लेड है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो लेड भी क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहां पर बना देगा लेड क्लोराइड प्लस यहां पर जो कॉपर है वो विस्थापित हो जाएगा। तो यहां पर हम जितना भी देख रहे हैं अभिक्रियाओं में वो हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं यहां पर इस फेरस ने क्या किया है, इस कॉपर को विस्थापित किया है। इस अभिक्रिया में हम देखें तो यहां पर इस लेड ने क्या किया है, कॉपर को विस्थापित किया है। तो ये जितने भी तत्व है ना, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर पा रहे हैं, कॉपर को क्या कर पा रहे हैं, विस्थापित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर आपने कॉपर सल्फेट डाल रखा है और उसमें आप जिंक डालोगे तो वो क्या होगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, उसका सॉल्यूशन का उस विलयन का कलर चेंज हो जाएगा और वहां पर कॉपर नीचे विस्थापित हो जाएगा अलग। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने इस उदाहरण से समझा है, देखिएगा उदाहरण हमारा क्या था, देखिएगा ये देखो पहले मान लो इसका नाम है, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस सी ने क्या किया, ये ज्यादा ताकतवर मान लो या इसके पास ज्यादा क्वालिटी थी, तो इसने ए को क्या कर दिया, यहां से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो अब इसके साथ फ्रेंड कौन है, ये वाला, अब उसको क्या कर दिया, वहां से भगा दिया। तो ये क्या था, ये था एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। चलिए हम आगे और समझते हैं, एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बुक के अंदर दे रखा है,
ठीक है, इससे हम समझते हैं। देखिएगा हमने इसमें क्या डाल रखा है, इस परख नली के अंदर हमने एक कॉपर सल्फेट का विलयन डाल रखा है। इस परख नली में हमने क्या डाल रखा है, ध्यान से समझिएगा इसको, उदाहरण को, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसमें हमने क्या डाल रखा है, कॉपर सल्फेट, ये इस परख नली में हमने डाल रखा है। इस परख नली के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, विलयन मतलब वो उसमें घुला हुआ है। इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने लोहे की कील डाली है, ये हमने लोहे की कील धागे से लटका दी। लोहे की कील को धागे से लटका कर इस कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे तो लोहा क्या होता है, हमें पता है Fe होता है, फेरस होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अभी तो इसका कलर आपको नीला दिखाई दे रहा है, कॉपर सल्फेट नीले कलर का विलयन है, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ी देर इस लोहे की कील को इसके अंदर लटका के रखोगे तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये बिना कलर का हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये क्या बना देगा, ये बना देगा FeSO4, और नीचे आप देखोगे कुछ पदार्थ जमा हो जाएगा यहाँ पे और वो होगा हमारा कॉपर, वो क्या होगा, कॉपर। और आप इसका कलर देखोगे तो कील का कलर भी चेंज हो जाएगा, इस कील का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ये दोनों कील है वो चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, फेरस का विस्थापन, यहाँ पर फेरस इस विस्थापित कर रहा है किसको, कॉपर को, इसका विलयन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपसे पूछे इस उदाहरण को कि किसी विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, या क्या होता है जब लोहे की कील को, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, क्या होगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे। तो कॉपर सल्फेट आपको इस अभिक्रिया से याद रखना है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील यानी आयरन की कील को डुबाया जाता है तो जो लोहा है वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिस वजह से विस्थापित कर देता है, जिस वजह से उस विलयन का, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, उस विलयन का कलर चेंज हो जाता है और वहां से कॉपर विस्थापित हो जाता है और जो विलयन है वो फेरस सल्फेट का प्राप्त होता है। इस तरह से हम इस बात को आसानी से लिख सकते हैं, ये हमारा कॉपर सल्फेट था, इसका नाम हम चाहे तो लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये इसका नाम है कॉपर सल्फेट, Cu मतलब होता है कॉपर सल्फेट, ये हमारा हो गया फेरस यानी आयरन लोहा, यहां को जो प्राप्त हुआ है यानी फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, फेरस भी कह सकते हैं, और ये है हमारा कॉपर, इसको आप आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। तो इसने क्या किया, इस फेरस ने यानी आयरन ने इस कॉपर को यहां से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मुझे लग रहा है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको मुझे लग रहा है आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे क्या होगा हमारा मनोबल बढ़ेगा और से बढ़िया से उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक और अभिक्रिया का प्रकार देख रहे हैं, विस्थापन का एक प्रकार कह सकते हैं, चाहे आप इसको अलग मान सकते हैं। अब हमारा है द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन होगा, क्या होगा, दो बार विस्थापन, द्विविस्थापन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो बार विस्थापन होता है। तो इसकी परिभाषा सुनने से पहले देखिएगा, यहां पर क्या है, दो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये डॉल है, दो डॉल है और इधर क्या है, दो डॉले हैं, दो डॉल है और दो डोले हैं, डोले मतलब क्या है, गुड्डे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका नाम मान लो चिंकी है, इसका नाम मिंकी है और ये चिंटू मिंटू है, ये चिंकी मिंकी और चिंटू मिंटू। क्या होता है, जब द्विविस्थापन होता है तो भैया ये चिंटू राम किसके साथ आ जाता है, चिंकी के साथ आता है, चिंटू किसके साथ आ जाता है, चिंकी के साथ, और ये जो मिंटू है वो मिंकी के साथ, ये चिंकू मिंकू चिंकी मिंकी के साथ, तो चिंकू चिंकी के साथ और मिंकू मिंकी के साथ चला जाता है। तो यहां पर देखिएगा ये दोनों ने आपस में क्या कर लिया, कपल बना लिया है, एक जोड़ा बना लिया है, ठीक है, आपस में आदान प्रदान करके, ये एक इसके साथ आ गई तो ये इसके साथ चला गया, दो बार विस्थापन हो गया ना, ये इसने यहां पर आ गई और ये यहां पे चला गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, आपस में आदान प्रदान हो जाता है। चलिए हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखते हैं और आपको समझ में तो आ गया, अगर नहीं आया तो अभी फिर से समझ में आ जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन
अभिक्रिया। वैसे देखा जाए तो विस्थापन का ही प्रकार है, लेकिन हम इसको एक बार अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब अदला बदली होती है। आदान प्रदान को अदला बदली होती है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, आयनों का आदान प्रदान लिखना है, दो बार विस्थापन नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, आयनों का आदान प्रदान होता है। चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां देखो, ए और बी दो साथ में थे, ए के साथ कौन है, बी, और यहां पे हमारे दो साथ में है, वो है सी और डी, बीच में प्लस में, इन दोनों में अभिक्रिया होगी। तो इन दोनों में अभिक्रिया होती है तो होता क्या है, ये ए किसके साथ चला जाएगा, इस डी के साथ, और सी किसके साथ आ जाएगा, बी के साथ। तो ये देखो, आपस में अदला बदली होगी आयनों का आदान प्रदान। तो अब जो अभिक्रिया बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। देखो, अभिक्रिया होगी वो किस प्रकार होगी, देखिएगा, ये ए किसके साथ आ गया, डी के साथ, और यहां से ये जो बी है वो किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ए के साथ बी आ गया और सी के साथ बी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं, अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच, इधर वाले क्या होते हैं अभिकारक, इसके बीच में अदला बदली हो जाती है, आयनों के बीच में अदला बदली हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है, सर ये आयन क्या होता है, तत्व तो हमने पढ़ा था, आयन क्या होता है। देखो, ये हमारा है सोडियम तत्व, आपने बेसिक वाली क्लास देखी होगी, उसमें लिखा बता रखा है, और ये हमारा, जब भी इसके ऊपर हम आवेश लगा देते हैं तो ये सोडियम आयन है, ये क्या है, सोडियम आयन, और ये सोडियम है। ठीक है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब और अच्छा किससे समझेंगे, और अच्छा हम उदाहरण से समझ सकते हैं, किससे समझ सकते हैं, उदाहरण से, बिल्कुल ध्यान बोर्ड पर दीजिएगा, हम उदाहरण समझते हैं और अभिक्रिया को भी क्लियर कर लेते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं जिसके अंदर हम एक अभिक्रिया लेते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4, जिसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं बेरियम क्लोराइड से, BaCl2, इसका नाम क्या होगा, बेरियम क्लोराइड। देखिएगा ध्यान से, अब क्या होगा, मैंने जैसा आपको बताया है उसी तरह आप लिख दोगे तो आसानी से हो जाएगा। ये सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोराइड के साथ, और बेरियम किसके साथ आ जाएगा, सल्फेट के साथ। बस बना दीजिए और अभिक्रिया कंप्लीट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहां पे बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट नाम लिख सकते हो, ये है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, यहां पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार का आप उदाहरण दिखे तो आप क्या बताना है, आपको यह बताना है कि सर ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं दूसरा एक और उदाहरण, जैसे मैंने लिखा AgNO3 प्लस NaCl प्लस NaCl, इसके बीच में अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, भैया बनेगा तो देख लो, आपको समझ में आ चुका है, ज्यादा कुछ वैसे अब बड़ी बात रही नहीं है, क्योंकि हम अच्छा नहीं से समझ, ये Ag किसके साथ जाएगा, ये पीछे वाले के साथ आता है, और Na किसके साथ आता है, इसके साथ आता है। ठीक है, सिंपल सी बात, ऐसी अभिक्रिया जब भी आपको दिखे आप फटाक से नाम लिखोगे, ये कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो बार, इसका यहां पर विस्थापन हो रहा है, इसके साथ जा रहा है, और ये इसके साथ विस्थापन, दो बार विस्थापन हो रहा है, यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये कह रहे हैं ये आपस में बदल लिए, ये आपस में बदल लिए। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन। अब देखो, Ag के साथ कौन आ जाएगा, Cl प्लस NaNO3,
इसके नाम क्या हो जाएंगे, ये हमारा सोडियम नाइट्राइड सिल्वर नाइट्राइड था, ये सोडियम क्लोराइड, ये यहां पर सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बन गया। कौन सी अभिक्रिया हुई, द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन हो रहा है, आपस में अदला बदली कर रहे हैं। जैसे मान लो ये दोनों फ्रेंड थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक ने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली और एक ने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, दोनों ने आपने क्या हो गया, मामला सेट हो गया। तो यही था हमारा द्विविस्थापन का उदाहरण। और विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था एक ही दूसरे को विस्थापित कर रहा है, ये बेचारा अकेला था सिंगल, ठीक है, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और इसका मामला सेट हो गया। तो ये ही होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो हम देख चुके हैं दोनों विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं क्या क्या होती है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभिक्रिया को देखकर आपको पहचानना आना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। आज जो हमने वीडियो में कंप्लीट कर लिया, अभी तक हम चार अभिक्रियाओं के प्रकार कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। चलिए हम जल्दी से आज का वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं और चलते हैं हम। चलिए, वियोजन या अपघटन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये हमें नहीं देखना, हमें देखना है विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखना है, विस्थापन अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप उदाहरण को जरा तसल्ली से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल ध्यान देंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल चीजें आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दी जाएगी, बिल्कुल आसानी से आप उसको समझ पाएंगे, ना सिर्फ समझ पाएंगे, ना सिर्फ पढ़ पाएंगे, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए हम इसको सीख लेते हैं। यहां पर देखिएगा एक अभिक्रिया है जिंक, जो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये कॉपर सल्फेट बड़ा तेज है और ये क्या है, ये बेचारा एकदम ढीला ढाला, तो ये क्या करेगा, इसको वहां से भैया रवाना, तो उसको वहां से रवाना कर देगा, मतलब वहां से हटा देगा, चल भैया तेरा काम खत्म, अब अपनी चलेगी। चलिए, तो इसने क्या कर दिया, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है, इस वाली को हमने सेटिंग थोड़ा सा दिमाग से लगाया है, तो क्या कर दिया, देखिएगा जरा हमने क्या कर दिया, हमने तो कुछ नहीं किया है, हमने तो आपको समझाया है, हमने तो आपको समझाया है, इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इस वाले को साइड में करके अपना सेटिंग मामला सेट। तो चलिए हम इसको समझते हैं आगे, ठीक है भैया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए, बाकी मेरा किसी से कोई ऐसा नहीं है, कैसा हो तो ठीक है, कोई भी बुरा मत मानिएगा, छोटा सा थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहता है। चलिए, अब इसने फेरस ने भी क्या किया, कॉपर को वहां से साइड में कर दिया और खुद वहां पे आ गया। जब भी कोई साइड करके वहां पर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन। तो ऐसा नहीं है कि कॉपर इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, ध्यान रखिएगा, अधिक अभिक्रियाशील कम को ही विस्थापित कर पाएगा, हर कोई किसी को नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा सा हम मामला सेट करना है कि कौन सा किसको विस्थापित कर पाएगा। कभी भी आपको उल्टा अभिक्रिया लिखे कि कॉपर क्या जिंक को विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सीधा सा लिखेंगे जो कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, भैया कम ताकतवर है, तो कम ताकतवर बड़े ताकतवर को कैसे हटा पाएगा, ठीक है। तो इसी बात के, चलिए इस तीनों में आपको समझो, लेड है, ये कॉपर क्लोराइड है, तो यहां पर लेड कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर लेड को विस्थापित नहीं कर पाएगा भैया, तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, इसको विस्थापित करते ही ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब देखिए भैया, चिंकू मिंकू वाला आपने फिर से सेट कर दिया, ठीक है, ये चिंकू की सेटिंग चिंकी के साथ और मिंकू की सेटिंग मिंकी के साथ हो जाती है, तो ये हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा, आयनों के बीच क्या होता है, आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, हम यहां पर देख रहे हैं, यहां सोडियम सल्फेट था, यहां बेरियम क्लोराइड था, तो सोडियम सल्फेट ने इसके साथ कर लिया काम और बेरियम ने सल्फेट के साथ, दोनों ने भैया का तू तेरा काम सेट कर ले, मैं मेरा काम सेट कर लेता हूं, तो इसके साथ दोनों ने नहीं सेट कर लिया, तो होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दोनों ने काम सेट कर लिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे यहां पर सिल्वर नाइट्रेट, यहां पर सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, ये क्या किया, इसने इसके साथ क्या कर लिया, अभिक्रिया कर ली इसने, ठीक है, और ये इसके साथ, यानी यहां पर Ag ने इसको विस्थापित कर दिया, Na को यहां से हटा दिया। अब ध्यान देंगे तो करा क्या है, वास्तव में इसको समझे द्विविस्थापन कैसे, इस Ag ने क्या किया, इसको यहां से विस्थापित करके खुद यहां पर आके बैठ गया,
ठीक है, और इस एन ए ने क्या किया, इसको विस्थापित करके खुद यहां पे आके बैठ गए, तो दो बार विस्थापन हुआ, इसलिए हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये थी हमारी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो तो आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इंटरेस्टिंग के साथ, समझते हुए अभिक्रियाओं के प्रकार और जो भी टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग समझेंगे, ताकि आप इसको हमेशा के लिए याद कर पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अभिक्रियाओं के प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।